अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि 2012 एक्सीडेंट, हुंडई एक्सीडेंट है 2012 मॉडल। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट थी, पहले एक्सीडेंट हुई थी उसके बाद स्टार्ट थी, यानी वर्कशॉप में काम हुआ है तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट थी, लेकिन अचानक बंद हो गई है। तो मैं चेक कर रहा हूँ इसको, गाड़ी को आपके सामने। तो ये देखें, गाड़ी सर्व ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो आपके सामने इसको डायग्नोस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कहते थे कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे चेक करें, तो आपके सामने हम चेक करेंगे। मुझे आइडिया नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपके सामने ही चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एक्स डेक प्रो 3 है स्कैनर। क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर ने ये सर्किट, यानी इसके अंदर या तो सेंसर टूटा हुआ है या इसकी वायरिंग ख़राब है। तो आइए आपके सामने चेक करते हैं फ्रंट पे। इसकी सास क्रैंक की साइड पे आती है, वायरिंग तो ठीक नज़र आ रही है, कोई कटी पटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी अक्सर औकात ग्रिप भी सही लगी हुई है। वायरिंग चेक कर लेते हैं एक सेकंड में, चेक करके आपको बताता हूँ। क्योंकि एक्सीडेंट थी गाड़ी, सर्किट का कोड निकल आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं से यहाँ सेंसर टूट गया या वायरिंग। तो मुझे इधर से थोड़ा आ सा, क्योंकि ये फ़ैन भी चेंज हुआ है, ये चीज़ें चेंज हुई हैं, तो क्या पता इधर चोट लगी हो। हम चेक करते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए वायर टूटी हुई है नीचे से, एक तो मिली नहीं। ये देखें, ले लीजिए वायर है। ये देखें कि ये वायर टूटी हुई है एक तरफ से, ये तो एक्सीडेंट थी गाड़ी, बाहर से सही नज़र आ रही थी लेकिन अंदर से कटी हुई है, ठीक है। अब इसको ज्वाइंट करके दोबारा चेक करते हैं। जिसके ज्वाइंट लगा लिया, आप गाड़ी के अंदर जाकर चेक करते हैं स्टार्ट होती है गाड़ी के नहीं, कोड क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले कोड नहीं था क्लियर हो रहा जी। हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि गाड़ी ओके हो रही है कि नहीं जी। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी आरपीएम यानी एक्सीलेटर भी प्रॉपर ले रही है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके है, ठीक है। ये वही एक्सीडेंट होने से वायर टूट गई थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।